नमस्कार, खबरखास टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मुनीष ठाकुर अभी मौजूद है हिमाचल प्रदेश जिला मंडी के करसोग मोहनाग मंदिर में। अभी हम मौजूद हैं जिस मंदिर में अभी हम मौजूद हैं, बताना चाहेंगे ये मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है और कहीं ना कहीं पांडवों के साथ मंदिर का कोई ना कोई जो है लिंक यहाँ पे जुड़ा हुआ है। मैं बता दूं कि अभी जिस तरह से अभी हम यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो जो मोहनाग है, मान्यता ये है कि वो जो पांडवों के समय में कर्ण जी थे, वो ही कहीं ना कहीं मोहनाग का अवतार उन्होंने लिया है। पूरी कहानी क्या है, हमारे साथ जो है मंदिर के पुजारी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरकास्ट टीवी में, अपना परिचय हमें दें। नमस्कार, मेरा नाम लीलाधर शर्मा है। मैं पुजारी मोहनाग, श्री मूल मोहनाग बखारी, तहसील करसोग, जिला मंडी के अंतर्गत आता है। और मोहनाग जो है, माऊंग और नाग खासकर दो शब्दों के मेल से बना है। माऊंग जो शहद बनाने वाली वो, और नाग जो है, और ये देवता जो है खासकर यहाँ पर माऊंग और नाग इन दो चीज़ों का महाभारत काल में भी युद्ध जिन अस्त्रों का होता था, उसी तरह से जो है आज की ये देवता भी, मतलब इस मंदिर में हमारे रथ हो, पालकी हो, कोई भी चीज़ हो, तो इन दो चीज़ों का प्रयोग, इन दो शक्तियों का भी हो जाता है। असंख्य असंख्य में माऊंग एकदम झुंड निकल जाता है, नाग भी निकल जाते हैं और नाग पाश में भी बंधा जाता है अगर इसकी इसमें कोई गलतियां करता है। मान्यता इस तरह की है पुजारी जी की, जो कर्ण थी, जिस तरह से पांडवों का इतिहास है बताया जाता है जी। और ये माऊंग नाग, मतलब दो शब्दों के इनका अर्थ बताया। और इस देवता को, ये देवता जब खेलता है, प्रकट होते हैं किसी आदमी के ऊपर, आके अपना परिचय देते हैं। यहाँ पर पहाड़ों में ऐसा ही कल्चर है, कोई भी देवता हो वो अपना परिचय देता है और अपना नाम अपने मुख से स्वयं किसी व्यक्ति के ऊपर आके जो है बताता है अपना नाम। तो उसी प्रकार से ये देवता भी अपना नाम जो है मोहनाग हम लोग प्यार से बोलते हैं यहाँ पर रहने वाले। और राजा कर्ण मतलब से अपना परिचय देता है, राजा कर्ण हूँ, माऊंग का नाग आपका राजा कर्ण हूँ, हाँ द्वापर युग के। तो द्वापर युग के राजा कर्ण की तो महाभारत में मतलब अंकित है ही। और यहाँ पर आने का मतलब एक खास कारण जो है माया मिली जीवों और ये कई आपदाओं से ग्रसित इस क्षेत्र के जो लोगों को मुक्ति दिलाई। और यहाँ से कुछ दूरी पर एक खेत में जो है किसान को हल चलाती बार एक मूर्ति मिली, बस यू मूर्ति उसके हल में, और उसके उत्पत्ति हुई और देवता एक आदमी के ऊपर प्रकट हो गया है और उसने अपना परिचय, भाई मेरी राजा कर्ण की मूर्ति है और राजा, और इसे पूरी खुदाई करो, पूरा सामान निकला है, बाजा से लेके जैसे एक राजा का होता है पूरा वो सामान निकला था। और वो सामान सारा एकत्रित करके वहाँ से अपने जो इस क्षेत्र में आने की इच्छा की, यहाँ पर जो है नाश किया माया भी और मलेच्छी शक्तियों का, और यहाँ पर आसमानी बिजली के द्वारा जो है शक्तियों से मतलब दूना पेड़ पे गिरी थी और आज भी दूना विद्यमान है, तब से लेके अखंड चला है। और अपनी शक्तियों का विस्तार जो इस क्षेत्र में किया और निजात दिलाई, और उसके उपरांत जो है महाभारत के उपरांत ये जो है चलाई है निरंतर। और राजा श्यामचंद्र सेन को भी एक बार मुगलों की कैद से, मुगल बादशाहों की कैद से इसी माऊ के वेश में वार्तालाप किया था बंदी खाने में, और उसको छुड़ाया था, उनको वहां से वापस सुकेत में पहुंचाया था। तो इस तरह से माऊ के वेश की कहानी। और नाग मतलब नागों को निर्विष कर देते हैं, यानी कि सांप के काटे से जो यहाँ पर 3 दिन में ठहरने से किसी की मृत्यु नहीं होती, सारा मतलब विष उतर जाता है यहाँ के जो पारंपरिक हैं, और माऊ नाग करके। और फिर ये देवता राजा कर्ण है, इनसे मतलब जो भी मांगो मिलता है, और धनी हाँ दानवीर कर्ण कहलाते हैं महाभारत से ही, मतलब ये तो सभी को पता है महिमा तो बाकी चली है। और यहाँ पर बहुत सारा क्षेत्र है, सुकेत के राजा ने आधा क्षेत्र जो है तब इनको दे दिया था राजपाट अपना, आधे क्षेत्र का जब उनको मुगलों की कैद से छुड़ाया था। उसके बाद उनके आगे उनके जो आने वाली पीढ़ी थी उनके एक राजा के औलाद नहीं होती थी, जिनके द्वारा 1901 में सुकेत मेला लगाया गया है सुंदरनगर, तो उनको भी पुत्र प्राप्ति यहीं से हुई थी और आज तक उनका खानदान जो है बढ़ता रहा है और वो मेला भी चला रहता है। वैसे एक मेला मोहनाग यहाँ भी उनकी याद में चला है, अपने एक कारदार का जो उसका मतलब प्राण हानि होने जा रही थी तो उसे बचाया,
तो उसके फलस्वरूप जो है यहाँ पर भी मेला लगता है। तो इसी तरह से जो देवता की महिमा है वो तो निरंतर बढ़ती जाती है समय के साथ साथ। ये कम बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे मंदिर के पुजारी, और मैं बता दूं कि जिस तरह से इन्होंने जो है कर्ण जो राजा थे, और मैं कहूं कि महाभारत युग के जिस तरह से पांडवों के साथ उन्होंने युद्ध किया, सूर्यपुत्र थे, और कहीं ना कहीं दानवीरों की कहीं बात की जाती है चारों युगों में, तो कर्ण का नाम जो है सर्वप्रथम लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने कब्ज कुंडल तक त्याग दिए थे। मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर जो है, खासकर अगर आपकी कोई भी मनोकामना हो तो पूरी होती है, और सीधी तस्वीरें जो है आप अभी खबरकास्ट टीवी के माध्यम से देख पा रहे हैं। और जो पुजारी जी ने यहाँ से बताया कि महू और नाग दो शक्तियों के मिलने से जो है इसका नाम पड़ा है, और महू होता है मधुमक्खी, और जो नाग होता है वो नाग देवता। और अगर किसी व्यक्ति को नाग काट ले तो 3 दिन मात्र यहाँ आने से, यहाँ सो रहने से वो नाग विष जो है विफल हो जाता है। और कहीं ना कहीं अगर जो मधुमक्खियां हैं, अगर आप अपने घर में कहीं बुलाना चाहें तो वो यहीं पे अर्जी लगा के वो आपके घर में भी आ सकती हैं, जहां तक हमें जानकारी मिली है।